जय हिंद साथियों। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक मामले में दोस्तों योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और यहाँ पर दोस्तों जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर दोस्तों तत्काल संज्ञान लिया है। जी हाँ दोस्तों, जांच कमेटी यहाँ पर गठित हो चुकी है और योगी सरकार ने दोस्तों यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं रेणुका मिश्रा, उनसे भी दोस्तों फोन पर बात की है और उनसे मामला संभालने की दोस्तों जो बात कही है वो आपको दिखाते हैं कि योगी सरकार ने दोस्तों क्या बात बोली है और आगे क्या होने वाला है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए, भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों जो लगातार आप लोगों के लिए यहाँ पर जो संघर्ष जारी है, अगर आप भी चाहते हैं कि दोस्तों पेपर दोबारा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों संख्या में शेयर करना और दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर बताना कि भाई पेपर लीक होना, पेपर जो लीक हुआ है ये सही है या गलत है और पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों, योगी सरकार ने जो अभी अभी दोस्तों बड़ा एक्शन लिया है भर्ती बोर्ड पर दोस्तों, वो क्या है जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर दोस्तों लगातार यहां पर पेपर जो यूपी पुलिस पेपर री एग्जाम कराने को लेकर हैशटैग टॉप ट्रेंडिंग दोस्तों नंबर वन पर रैंक कर रहा था। यहां पर देखिए ट्रेंडिंग नंबर एक पर दोस्तों आ रहा था और कई दोस्तों जो ट्रेंड है वो नंबर एक पर आ रहे हैं, इसीलिए दोस्तों यहां पर योगी सरकार ने तत्काल एक्शन लिया है और भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष है रेणुका मिश्रा उनको तत्काल दोस्तों कॉल किया है और उनको दोस्तों यहां पर जांच कमेटी बनाने के आदेश दे दिए हैं। अब दोस्तों उम्मीद यही जाग चुकी है कि दोबारा जो पेपर है वो आपको कराया जाएगा। मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों उस न्यूज की ओर जहां पर दोस्तों ये बात कही गई है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों आज तक की जो वेबसाइट है यहां पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है कि भाई साहब वही आज तक जो दोस्तों अभी घंटों पहले बोल रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसे भ्रम फैलाया जा रहा है, अब वही आज तक दोस्तों न्यूज लेकर आया है कि भाई साहब यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 को लेकर पेपर लीक मामले में बोर्ड ने गठित की जांच कमेटी, जाने क्या है पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, पूरी मामला जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आज तक है ये वही दोस्तों न्यूज चैनल है जो पहले बच्चों को नहीं सुन रहा था, लेकिन अब एक्शन में दोस्तों जो बच्चे आए, योगी सरकार भी एक्शन में आ गई क्योंकि भाई चुनाव नजदीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दोस्तों जो भी बात उठाएंगे अब दोस्तों वो आपकी माननी पड़ेगी सरकार को। जी हाँ, इसलिए दोस्तों अब तत्काल जांच एजेंसी दोस्तों यहां पर आ चुकी, मतलब गठित हो चुकी है और देखो यहां क्या बोला है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले पर भर्ती बोर्ड द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया है। बोर्ड की अध्यक्ष जो रेणुका मिश्रा है ने फोन पर आज तक से 32 में अभ्यर्थी द्वारा सोशल मीडिया पर जो समस्याएं बताई जा रही हैं उन समस्याओं को देखते हुए बोर्ड द्वारा इंटरनल जांच कमेटी का गठित की गई है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो दोस्तों रेणुका मिश्रा हैं उन्होंने योगी सरकार से दोस्तों फोन पर बात की है और आज तक वाला बता रहा है कि हमसे बात की है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी बहुत इनकी तारीफ भी हो जाती है लेकिन इस बहाने से, तो आज तक वालों को दोस्तों जब यह बोला गया कि पेपर लीक जो हुआ है वो कोई भ्रम नहीं है महोदय, ये सच है, ठीक है। तो ये दोस्तों सारे जो सबूत उनको भेजे गए, देखिए ये सारे आंसर आपको मिल रहे हैं कि सबूत के साथ दोस्तों, देखिए एक एक क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है यहाँ पर, तब जाके आज तक वालों के कानों पर जू रहेंगी और उन्होंने दोस्तों यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाया, ठीक है। और योगी सरकार भी तत्काल एक्शन में आई है, 19 फरवरी 2024 का अपडेट है और शाम के 6:01 पर दोस्तों अपडेट आया, ऊपर देखेंगे शाम के 6:51 हो रही है, यानी हाल फिलहाल का ये दोस्तों अपडेट है। अभी अभी दोस्तों जाँच कमेटी गठित हुई है और दोस्तों आगे क्या बोला, आगे देखिए, आगे बोला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सिपाही परीक्षा का पेपर लीक मामले में बोर्ड ने जांच कमेटी गठित की है। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक की खबरों को लेकर युवाओं में आक्रोश है, ठीक है। हालांकि बोर्ड ने इस मामले इससे पहले पेपर लीक की इन खबरों को फर्जी बताया था, देखो फर्जी बताया था बोर्ड ने, लेकिन दोस्तों अब जांच कमेटी गठित कर दी गई है भाई, या ये आपका ही दोस्तों जुनून है, ये आपका ही दोस्तों आक्रोश है, ये आपका ही दोस्तों यहां पर जो एकता है वो यहां पर दोस्तों इस फैसले पर लेती नजर आ रही है, क्योंकि संज्ञान लिया है योगी सरकार ने तत्काल इस दोस्तों भर्ती बोर्ड पर, ठीक है। और उन्होंने दोस्तों इसको जांच के भी आदेश दे दिए हैं साथ के साथ, ठीक है, इसकी जांच करवाई की जाएगी ताकि सच सामने आ सके। आइए जानते हैं बोर्ड ने क्या कहना है, बोर्ड का क्या कहना है वो दोस्तों आपको बताते हैं। बोर्ड का कहना यह है कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने फोन पर आज तक से बातचीत में कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया पर जो समस्याएं बताई जा रही हैं उन समस्याओं को देखते हुए बोर्ड के द्वारा इंटरनल कमेटी गठित की गई है। उन्होंने आगे कहा है कि अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को लेकर जाँच की जाएगी। हमारे पास भी सभी वायरल चीज़ें हैं, जो सवाल वायरल हुआ है वह क्वेश्चन पेपर में कितने आए हैं और ये परीक्षा से पहले आए हैं या बाद में आए, इसी दौरान ये वायरल हुआ है या नहीं हुआ है, इनकी भी दोस्तों जांच की जाएगी। रेणुका ने कहा है कि हम सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं और 48 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, किसी भी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। देखो ये बोल रहे हैं कि रेणुका मिश्रा ये बोल रही है कि भाई साहब 48 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके साथ किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तथ्य बताए जा रहे हैं उनकी जाँच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जाँच होनी ही चाहिए दोस्तों, मैं तो ये बोलता हूँ, आपका क्या दोस्तों इस पर कहना है। और आगे दोस्तों उन्होंने क्या बोला है, सोशल मीडिया पर जो जंग है वो छिड़ चुकी है, ठीक है। आगे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। देखो आगे बोला है कि पुलिस की गिरफ्तार कितने लोग किए हैं, पुलिस ने दोस्तों अब तक यहां पर देखिए
इसके अलावा परीक्षा के पहले दिन दोस्तों 122 जालसाज अभ्यर्थियों को सोलबर गैंग के सदस्यों द्वारा पकड़ा गया है। इनमें से 96 लोगों की परीक्षा के दौरान दबोचा गया, जबकि यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स UPSTF ने अलग अलग जगह से 18 जालसाजों को पकड़ा। पकड़े गए सबसे ज़्यादा जालसाज 15 ठग एटा और प्रयागराज के कमिश्नरेट से पकड़े गए हैं। ठीक है, जो कमिश्नरेट है वहाँ से पकड़े हैं। इसके अलावा मऊ, सिद्धार्थनगर व प्रयागराज से 9, गाजीपुर से 8 और आजमगढ़ से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर इतने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों अब यहाँ पर जो है जांच जो कमेटी है वो गठित हो चुकी है। जो ट्विटर पर जंग छिड़ी थी दोस्तों, अब वो सामने आ रही है। ठीक है, तो मेरे कहना तो यही है कि भाई साहब जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द दोस्तों जो पेपर की सेकंड डेट है वो अभ्यर्थियों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि जो STF है उसने दोस्तों अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अब बच्चों की जीत यहाँ पर होगी। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों एग्जाम दोबारा हो, तो फैला दीजिए दोस्तों इस न्यूज़ को हर कोने में, हर बच्चे के पास, हर दोस्तों ग्रुप में, ताकि पता चल सके कि भाई साहब जो हिंदुस्तान का जो युवा है वो कमज़ोर नहीं है, वो अपना हक लेना जानता है, अगर उनके हक के साथ कोई खिलवाड़ किया जाएगा तो। ठीक है, अगर आप भी अपने हक की लड़ाई में दोस्तों साथ खड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों को बता दीजिए कि हाँ भाई जांच कमेटी गठित हो चुकी है, अब जल्द से जल्द दोस्तों यूपी पुलिस का जो पेपर है वो दोबारा कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि योगी सरकार एक्शन में अब आ चुकी है। तो दोस्तों क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।